हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं परमिंदर आपके चैनल पे आज आपके ले गया हूँ 150 गज में 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस 1 CR के बजट में। बिल्कुल आपने प्राइस सही सुना, 4 BHK 150 गज में 1 CR के बजट में ये घर रहने वाला है जी। इसका आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे थे तो बहुत ही प्यारा हमें मिलने वाला है। फ्रंट एलिवेशन हमें हैवी मिल जाता है, प्रॉपर जो है रेडी टू मूव हमारा घर मिलने वाला है और इसमें जो है काम हमें बहुत ही प्यारा देखने को मिल जाता है जी। तो जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें 2 गाड़ियों की पार्किंग देखने को मिल जाती है। प्रॉपर यहाँ पे इंटरलॉकिंग टायर्स लगी हुई हैं, 2 गाड़ियों की हमें पार्किंग मिल जाती है। तो धूप बहुत तेज है तो अंदर आके हम आपको जो है डिस्क्राइब करते हैं कि अपना जो घर कैसा बना हुआ है। अपनी घर के अंदर आराम से गाड़ी लग जाएगी, अगर हमारी सीटन गाड़ी भी है तो भी आराम से पार्क हो जाएगी। इस साइड हमारे पास जो है 2 व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है, नीचे जो है अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है। सारी टाइल्स लगी हुई है जी घर के अंदर, एंकर की स्विचेज हैं। ये आ जाता है हमारा मैश डोर जो कि डबल जाली वाला हमें मिलने वाला। तो जब हम एंटर करते हैं जी तो ये आ जाता है हमारा मेन डोर, वुडन के जो है सागवान की वुड के सारे जो है हमारे डोर्स रहने वाले हैं। तो इस साइड आ जाता है जी हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जिसमें कि इस साइड हमें LED पैनल मिल जाता है। तो परमिंदर जी ये दसो कि कोई कॉर्नर का घर है थोड़े को? कोई कॉर्नर का घर सही? परमिंदर भाई आपने जो सवाल पूछा है, ये सभी का सवाल रहता है कि जो अपना घर जो है को कॉर्नर घर क्यों नहीं है और किस बजट में घर है। तो ये बहुत सारे क्लाइंट्स का भी, मुझे पता है कि आपका भी ये डाउट होगा जो परमिंदर भाई ने पूछा है कि आपने कोई कॉर्नर का घर भी है। तो कॉर्नर के घर दोस्तों क्या रहता है कि जो कॉर्नर में एक गली में सिर्फ 2 ही घर रहते हैं और साथ के साथ बिक जाते हैं। जब कोई भी कॉर्नर का घर आएगा तो बिल्कुल जी साथ के साथ दिखाएंगे, बट क्या रहते हैं जी अगर घर आता है तो साथ के साथ बिक भी जाता है तो कॉर्नर की क्वांटिटी कम होती है जी। तो इसलिए हम जो है जब भी घर आता है साथ के साथ दिखाते हैं और साथ के साथ ही बिक जाते हैं जी। बाकी जो मैक्सिमम जो उतने भी घर रहते हैं वो नॉन कॉर्नर ही मिलते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली, तो लास्ट तक देखेगा। तो इस साइड आ जाता है जी हमारा ड्राइंग एरिया, जिसमें कि 10 सीटर 12 सीटर पे अगर हमने सोफ़ा सेट लगाना हो तो आराम से लगा सकते हैं, इनफ हमारे पास स्पेस मिल जाती है अपनी जो सोफ़ा सेट की। फिर हमने क्या किया जी यहाँ पे जो है सेपरेट किया है, अपने छोटा सा पार्टीशन लगा के हमारे ड्राइंग डाइनिंग को हमने सेपरेट किया है। बाकी प्रॉपर ऊपर जो है हमें पैनलिंग मिल जाती है, LED पैनल मिल जाता है, प्रॉपर जो वुडन का काम हमें देखने को मिल जाता है जी। फिर इस साइड आ जाता है जी हमारी एल शेप में किचन, जो कि मॉडुलर प्रॉपर मॉडुलर किचन हमें मिलने वाली है, जिसमें कि कैबिनेट सॉफ्ट क्लोजर वाले रहने वाले। भी फिनिशिंग चल रही है जी तो थोड़ा सा सामान पड़ा हो, बाकी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में हमारा घर जो है मिलने वाला है। कैबिनेट सारे ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमें रहने वाले हैं। फिर इस साइड जो है सेरा की सैनिटरी फिटिंग रहेगी और प्रॉपर जो है हमें किचन का काम बहुत ही प्यारा देखने को मिलने वाला है जी। तो इसमें हमें 13x15 के अप्रॉक्स जो है रूम डायमेंशन मिलने वाली, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है हमें रूम्स में। और अगर सरमाइका देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है सरमाइके की हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप कैबिनेट देखें तो सॉफ्ट क्लोजर वाले रहने वाले हैं और जो सरमाइके का जैसे कि अपना जो अपना मार्बल वाला जो सरमाइका होता है उसका जो है कलर चूज़ किया हुआ, जिसमें कि दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है जी। फिर इस साइड आ जाती है जी हमारा ड्रेसिंग एरिया, जिसमें कि यहाँ पे ड्रेसिंग के अंदर भी स्टोरेज मिल जाती है, ऊपर भी कॉर्नर तक और नीचे भी 4 हमें कैबिनेट्स मिल जाते हैं ड्रेसिंग के अंदर। तो काफ़ी अच्छी हमें जो स्टोरेज मिल जाती है LED पैनल में, अगर आप देखें तो सेम सरमाइके का हमने यूज़ किया जी। साथ में आते हैं जी अपने वॉशरूम, जिसमें कि 2x4 की टाइल्स लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस के साथ जो है वॉशरूम मिलने वाले हैं, क्योंकि 150 गज साइज़ हो जाता है। बाकी वुडन के डोर हैं और मैश डोर सारे ही रूम के साथ हमें देखने को मिल जाता है। बैक साइड वॉशिंग एरिया आ जाता है, सारी ही टाइल्स लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है, क्योंकि 150 गज का ये साइज हो जाता है जी। तो सेक्टर 125 में 1 CR के बजट में हमारा जो घर मिलने वाला है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे सारा ही जो है और फैमिलियाँ यहाँ पर रह रही हैं, डेवलप्ड एरिया रहने वाला है। साथ में कमर्शियल मार्केट आ जाती है, बैक साइड हमें जो है पार्क मिल जाता है। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, जिसमें कि जो वार्डरोब्स हैं हमारे स्लाइडिंग हर एक रूम में तो रहने वाले हैं, जिसमें कि कलर कॉम्बिनेशन इसमें डिफरेंट यूज़ किया हुआ है। फिर इधर हमारा जो है ड्रेसिंग आ जाता है, सेम इधर हमारा LED पैनल आ जाता है जी। फिर साथ में वॉशरूम आ जाता है।
सैनिटरी फिटिंग अभी होनी है जी, वो लास्ट में जो है हम करके देते हैं। बाकी इसमें बाहर से स्टेयर चढ़ती हैं जी, हम आराम से जो है अगर रेंट आउट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी वुडन का काम काफ़ी प्यारा हो रखा है, घर के अंदर डेवलप्ड एरिया हमें मिलने वाला है। तो बाहर से स्टेयर चढ़ती हैं, ग्रेनाइट स्टेयर्स में लगा हुआ है, आराम से हमने जो अगर रेंट आउट करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टील की रेलिंग मिल जाती है और ऊपर बालकनी में हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। अगर हम बालकनी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ हाईवे साथ में फ्लाईओवर देखने को मिल जाता है हमें, तो प्रॉपर 4 BHK पोर्शन आ जाते हैं जी। ऊपर जब हम आते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारी किचन आ जाती है, एल शेप में किचन प्रॉपर, और स्लैब WERCC की नीचे वुडन का सरमाइका मिल जाएगा हमें, और इस साइड जो है हमारी ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस मिल जाती है, ऊपर फॉल सीलिंग आ जाती, ये हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है जी, जिसमें कि जो बेडरूम्स हैं सेम साइज में जो आपने नीचे देखे सेम एज इट इज साइज में जो है ऊपर रहने वाले हैं। फॉल सीलिंग वॉलपेपर लगना है जी अभी वॉल पे, ये अपने जो है सरमाइका ग्रे कलर में हमें देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट क्लोजर रहेगा, ड्रेसिंग प्रॉपर बनाया है स्टोरेज के साथ, और अपनी इसमें ग्रे कलर का ही सारे रूम में जो है थीम यूज़ किया है। वॉशरूम की टाइल्स हैं वो भी ग्रे कलर की रहने वाली हैं जी। फिर ये देखा हमने थर्ड बेडरूम, अब आपको दिखाते हैं फोर्थ बेडरूम। ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहने वाला है, जिसमें गेस्ट बेडरूम भी हम कह सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग सरमाइका सेम जो आपने नीचे देखा ऊपर यूज़, काफ़ी प्यारा सरमाइका देखने में लगता है जी। ड्रेसिंग भी बना रखा है, LED पैनल इस साइड एल शेप में हमें विंडो मिल जाती है, और एक का वॉशरूम अटैच रहने वाला, एक हमने जो है कॉमन वॉशरूम का प्रोविजन दिया हुआ है, गेस्ट वगैरह आते हैं तो आराम से जो है कॉमन वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो ये पीछे टेरेस आ जाती है जी, बैक से स्टेयर चढ़ रही है, मतलब सिटिंग का एरिया हमने बना रखा है जी। तो सेक्टर 125 सनीन क्लिफ मोहाली में 1 CR के बजट में 150 गज का घर ये रहने वाला है। तो इसकी डिटेल जानने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।